मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास समीक्षा यात्रा पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हमला किया है। दरअसल नीतीश कुमार बेहतर शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मधुबनी में सीएम की विकास समीक्षा यात्रा की वजह से 14 प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल की बसों को सभा स्थल पर लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हालांकि मधुबनी के डीएम ने कहा कि सीएम की सभा में उमड़ती भीड़ की वजह से स्कूल को बंद किया गया है। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और ये विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो है हमने ये व्यवस्था की गई है। और क्योंकि सीएम साहब जब भी आते हैं तो यहाँ पे जो उनका जो अभी अभियान चल रहा है बाल विवाह निर्मूलन हो या दहेज मुक्ति का जो ये है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने के पैसे का इस्तेमाल सीएम अपनी जनसभा के लिए कर रहे हैं। लालू ने आरोप लगाया कि इस यात्रा के जरिए सीएम हर जिले में 10 करोड़ रुपए का घोटाला करवा रहे हैं। घोटाला ना हुआ है, घोटाला ना होता। हाँ, कौन सा घोटाला हुआ? विकास यात्रा घोटाला, विकास यात्रा समीक्षा घोटाला। कम से कम एक एक जिला में 10 करोड़ से कम नहीं होगा। एक जिला में सब खर्चा जोड़िए ना भाई, टोटल दीदी लोग वाला, टोला सेवक वाला लोग और बास बल्ला काटने का खर्चा, सुरक्षा का, प्रशासन का, अफसरों का, टीए का, अफसरों का टीए का, होल्डर का, डीए का, पढ़ाई ठप हुआ वाला, वो तो अलग है। एक ही जगह की बात नहीं ना, ये हर जगह होते जा रहा है। लालू यादव ने नीतीश कुमार की तुलना सन की बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक से कर डाली। क्या किशोरों का स्कूल बंद करके बस लेके आई तो सारा काम ठप करा देता। फटके नहीं, कोई नजदीक कोई आवे नहीं। पूरी सरकार विकास यात्रा पर है, पूरी सरकारें विकास कर रहा हो हर ऑफिस में जाकर। थानों कोई बदशाह बिन तुगलक अपना सब कुत्ता बिदाई लाद के राजधानी बराबर बदलते रहता था। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। वहीं लालू ने कहा कि गुजरात के नतीजे में एग्जिट पोल के अनुमान उसी तरह फेल हो जाएंगे जैसे बिहार चुनाव के दौरान हुआ था। लालू ने कहा कि कांग्रेस की गुजरात में सरकार बनेगी। सब मीडिया बिका हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सब बेमानी कर रहा है। बेमानी करवाने में ये पहले से एडवांस में हवा बनवा रहा है। हेलो, कांग्रेस ने क्या वाला 135 दिया? सब तो हमको हराया था बिहार में, सब 176 गिनती के दिन भी हरा रहा था, समीक्षा करने लगा था। हेलो, साफ है कि लालू यादव किसी भी कीमत पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना और मधुबनी से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।